हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि YT स्टूडियो के अंदर जो मोर का ऑप्शन आता है उसको आप किस तरह से जानिएगा। दोस्तों उसमें बहुत सारा आपको फंक्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप यूट्यूबर हैं दोस्तों एंड आप अपने यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, क्योंकि आज मैं आप सभी को यूट्यूब में अगर वीडियो अपलोड करते हो और YT स्टूडियो एप्लीकेशन का यूज़ करते हो तो उसके अंदर एक मोर ऐप ऑप्शन का आता है, ठीक है। तो उसमें आप किस तरह से उसको देख सकते हो एंड उसको किस तरह से यूज़ करते हो सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूँ दोस्तों। इस वीडियो को फुल एंड तक देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से दोस्तों मेरे बारे में जान लें, मेरा नाम है प्रद्युम्न कुमार गोसाई और आप देख रहे हैं अपना भाई का चैनल प्रद्युम्न टेक YT चैनल। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह से रेगुलर वीडियो देखते रहने के लिए। एंड दोस्तों अगर आप भी विनर बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि हमारा आज का विनर कौन है। सिंपली मैंने स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है एंड देख लेते हैं कि विनर कौन है, ठीक है। जो विनर होंगे उनको प्रमोशन मिल जाएगा। तो कविता टुडू जी हमारी आज के विनर है, ठीक है। सिंपली इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं एंड देख लेते हैं। तो इनके चैनल को करने के बाद मैं आगे प्रोसेस आपको बता दूंगा, ठीक है। कविता टुडू, ठीक है, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया एंड इनके चैनल का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ गाइस, तो सबको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले थे कि YT स्टूडियो के अंदर मोर का जो ऑप्शन आता है उसमें क्या क्या फंक्शन देखने को मिलता है गाइस, ठीक है। तो वही सब कुछ मैं आप सभी को बारीकी से बता दे रहा हूँ ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। सिंपल आप जो वीडियो को अपलोड करते हो उस वीडियो में क्लिक कर लेते हो एंड पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर लेते हो गाइस एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर देखते हो तो मोर का ऑप्शन जहाँ पर आप टैग यूज़ करते हो, ठीक है। फर्स्ट में तो आप बहुत सारा टैग लगा सकते हो अपने रैंकिंग से, जैसे कि आप कोई वीडियो अपलोड किए तो वहाँ पर टैग लगाओगे तो अगर आपको मिलता जुलता टैग होगा तो आपका वीडियो सर्चिंग में आ जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड में देखने को मिलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैंने ये मेरा चैनल का कैटेगरी है तो आपका जो भी कैटेगरी होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, बहुत सारा कैटेगरी देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर मेरे तरह आपका भी टेक का होगा तो आप यहाँ से सिंपली साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्लिक करके आप अपने चैनल का कैटेगरी सेलेक्ट करके रख सकते हैं दोस्तों। साथ साथ नीचे के और देखने जाइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं अलाउ ऑल कमेंट्स, सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जितना भी है यहाँ पे कमेंट्स आपका है ये यहाँ पे अगर आप कर रखते जितना भी कमेंट है वो आपका शो करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे होल्ड पर्टिनेंटली इंपॉर्टेंट से कमेंट्स फॉर रिव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर क्लिक कर देते तो आपका कमेंट सारा रिव्यू में जाता है, उसके बाद आपका शो करेगा गाइस। एंड अगर आप चाहते हैं कि अपने कमेंट्स को रोक के रखें होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, ठीक है, आप सारा रिव्यू करने के बाद ही उसको शो करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप होल्ड में क्लिक करके आप अपने यूट्यूब कमेंट को पोस्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका कमेंट डिसेबल हो जाए तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं डिसेबल कमेंट्स लिखा हुआ है गाइस, तो सिंपली आप यहाँ पे डिसेबल कमेंट्स में क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे सिंपली डिसेबल हो जाएगा गाइस, ठीक है। साथ साथ अगर आप अपने वीडियो में चाहते हो कि अपना लाइक को आप छिपाना कि आपका अगर वीडियो में लाइक कम आ रहा है या फिर आप नहीं दिखाना चाहते कि आपके वीडियो में लाइक कितना है तो सिंपली यहाँ पे शो हाउ मेनी व्यूअर इन लाइक दिस वीडियो, सिंपल यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन पे है तो सिंपली अनटिक कर दीजिएगा गाइस, अनटिक कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका जो टिक वाला ऑप्शन है वो हट गया है एंड आपका जो वीडियो में कोई भी लाइक करेंगे तो सिर्फ आपको पता चलेगा गाइस, उनको पता नहीं चलेगा कि आपके वीडियो में कितना लाइक है, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे टिक करके रख देता हूँ एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इस यहाँ पे देखने को मिलेगा चूज अ लाइसेंस, ठीक है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस एंड उसके बाद लिखा हुआ है क्रिएटिव कॉमेंट एट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस सबका रहता है गाइस, ठीक है। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपका कोई वीडियो कॉपी करता है, कोई डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता है, ठीक है, तो उसमें आप उनको कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम दे सकते हो गाइस, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका वीडियो कोई भी अपलोड नहीं करेगा। आप चाहते हैं कि आपका वीडियो हर कोई यूज़ करे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन में आप क्लिक करके आप अपलोड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, ठीक है। यहाँ से आप कर दोगे तो अगला कोई आप डाउनलोड कर लेगा एंड उसको अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड भी करेगा तो आप कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकोगे गाइस, ठीक है। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे देखने को मिलेगा डिलीट फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। अगर चाहते हो कि आप अपने वीडियो को यहाँ से डिलीट करना, ठीक है, तो आप सिंपली डिलीट फ्रॉम यूट्यूब पे क्लिक कर दोगे गाइस तो आपका जो यूट्यूब में वीडियो है वो डिलीट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ इस चैनल में आप न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह रेगुलर वीडियो देखते रहने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में कोई नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।